Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. बाजार का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है, जिसे देखते हुए ओला कंपनी एक और बड़ा दाव खेलने जा रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने के बाद अब ओला की तैयारी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की है। ओला इलेक्ट्रिक की इस कार में ऑटोनॉमस मोबाइल के फीचर्स होंगे। कंपनी इसकी टेस्टिंग पहले ही शुरू कर चुकी है। इसे ग्लोबल मार्केट में अगले 2 साल में लॉन्च करने की योजना है। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने हाल ही में इसकी जानकारी दी। भावेश अग्रवाल ओला इलेक्ट्रिक के फ्यूचर फैक्ट्री प्लांट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्थित इस प्लांट में अग्रवाल ने कहा कि ओला की तैयारी देश में ही तैयार ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी से लैस कार लॉन्च करने की है। ओला इलेक्ट्रिक ने करीब 6 महीने पहले एक ऑटोनॉमस व्हीकल की टेस्टिंग शुरू की है। इसे ग्लोबल मार्केट में 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। अग्रवाल ने प्रस्तावित कार की कीमत की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 लाख रुपए के आसपास रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अफोर्ड कर सकें। ओला सीईओ ने ये भी बताया कि कंपनी इस साल एक कम कीमत वाला ओला S1 स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि फॉल्टी पाए जाने पर इलेक्ट्रिक स्कूटरों के कुछ बैचेस को रिकॉल किया जा सकता है। ओला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पोचमपल्ली शहर में 500 एकड़ों में बना हुआ है। कंपनी ने इस फैक्ट्री में सेल्फ ड्राइविंग कार्ट भी शोकेस किया हुआ है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्ट लाइडर यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। कंपनी इस कार्ट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने वाली है। इस कार्ट का इस्तेमाल अस्पतालों, मॉल्स और ऑफिसेज आदि में किया जा सकता है। कुल मिलाकर कुछ ही सालों में आपको सड़क पर ओला की इलेक्ट्रिक कारें दौड़ती हुई दिख जाएंगी, जिसकी एक अलग मार्केट है और जो लोगों के लिए एक अलग पसंद होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।